हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉक प्लानर, जो कि आपका स्पेशली रिलेटेड है आरबीआई असिस्टेंट से। और दूसरी बात बात करेंगे हम लोग इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश की जो भी बात मैं बताऊंगा वो आरबीआई असिस्टेंट से लेके आपकी एसबीआई पीओ दोनों के लिए रहेगी। तो केयरफुल होके और रिलेट करके पढ़िएगा, क्योंकि वो चीजें कंटिन्यू आपको रखनी है इंग्लिश में। इंग्लिश जितना ज्यादा कंटिन्यू रखेंगे उतनी अच्छी आपकी होती जाएगी। अगर ये चीजें आपके एसबीआई पीओ तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मैं टोटल 3 पार्ट्स दूंगा आपके आरबीआई असिस्टेंट के लिए। पहले पार्ट्स में मैं ये चीजें बताऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जीके और जीए जो है आपका प्लस कंप्यूटर के क्या चीजें कैसे करोगे। और थर्ड पार्ट में जो मैं बताऊंगा आपको ये रहेगा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कैसे टैकल करोगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक ही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो केयरफुल होकर चलिए देख लेते हैं। पहले कुछ आपके क्वेश्चन थे, कुछ आपके दिमाग में चीजें थी कि अप्लाई करें या ना करें, ठीक है ना। अप्लाई करोगे क्यों नहीं मेरे दोस्त, आरबीआई एक आपका मतलब एक सिंगल है, ठीक है ना। आरबीआई जैसे बैंक आपका है ना, लाइक एक आपका पीएनबी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे ऐसे टाइप के बैंक है ना बहुत सारे। तो आपका आरबीआई खाली एक ही है जिसके ब्रांच है आपके ना, छोटे छोटे ब्रांच एक तरह से बोल सकते हो या ऑफिसेस हैं उनके ना, वो भी क्या अच्छे सिटीज में है, ठीक है ना। जैसे लाइक यूपी में ले लो, यहाँ पर कानपुर और लखनऊ में ही है खाली है, ठीक है। तो मतलब 926 वैकेंसीज है, जिसमें सिर्फ जनरल के लिए 473 आपके वैकेंसी जनरल के लिए है। आपके ओबीसी के लिए 192 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 है, एससी एसटी के लिए 98 समथिंग ऐसे करके है, ठीक है। तो भाई आप अप्लाई क्यों नहीं करोगे, अप्लाई करो। और ये पहले से किसने आपको बता दिया कि भाई नहीं हो सकती है, तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है, या आरबीआई की प्रिपरेशन तुम क्यों नहीं कर सकते हो? कौन से ऐसे इंसान ने बोल दिया कि नहीं हो सकता है? आप कहोगे नहीं, कट ऑफ 85 प्लस जाएगी, 90 जाएगी, ऐसा करके, और मेंस में नहीं होगा, मेंस में इतने लोगों को लेंगे, फिर एलपीटी वाला ना। तो भाई ऐसा मत सोचो ना, आप कर सकते हो। जितने लोग भी क्लियर करते हैं, लाइक इवन मैंने जो आरबीआई 17 मैंने जो क्लियर किया हुआ था, तो मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो एक लड़का ही हूं भाई ना। तो आप लोग भी ऐसे ही इंसान हो, एक लड़के लड़की ही हो, तो आप लोग भी क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज दिमाग में हटाओ पहले कि क्लियर नहीं हो सकता है। ये चीज जब हटेगी तो आपका आधा काम हो गया। हटने के बाद से क्या करना, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, और कंसिस्टेंट रह के डेडिकेशन फुल जुनून के साथ पढ़ना है, तब चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सपने देखने से चीजें नहीं बदलती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, अप्लाई कीजिए, और अप्लाई इस बेसिस पे कीजिए कि आप पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जितने लोगों का आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, तो वो लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक जो मैंने प्लानिंग वीडियो दिया था उनको 19 जैन तक पूरा प्लान करके 1 घंटे 10 मिनट का दिया था मेंस के लिए, उसको फॉलो करते रहेंगे। उसके जस्ट बाद जब आपका उनका मेंस खत्म होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस, उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करना उसी दिन से शुरू कर देंगे, 19 जैन या 20 जैन से ही, ठीक है। तब तक क्या करेंगे आप लोग, खाली आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाली वो वीडियो जो मैंने दिया हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा भाई, उसी को फॉलो करना। उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं है, मेहनत से करना डेडिकेशन के साथ, उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो काइंडली उसको जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो से अभी लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको 19 जनवरी से लेना देना रहेगा, ठीक है। 19 जनवरी जब आपका मेंस हो जाएगा तब, तो देखिए अप्लाई आप लोग जरूर करेंगे, और क्यों नहीं प्रिपरेशन करिए भी मैंने बता दिया। और आरबीआई जो है मेरे दोस्त, ये एग्जामिनेशन किस तरह का और किस तरह का आएगा, ये लोग कई लोग पूछे हुए थे मुझसे। तो ये एग्जामिनेशन जो है क्लेरिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन आपके जो रेपुटेशन होती है बहुत अच्छी होती है एक तरह से, मतलब और जो कंपेयर करोगे लाइक आरबीआई आईबीपीएसपीओ इन सबसे ना, ऑफिसर ग्रेड है लेकिन रेपुटेशन ज्यादा होती है, आरबीआई का नाम ही बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करेंगे और क्लेरिकल एग्जामिनेशन और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो क्लेरिकल की तरह होगा, क्लर्क का एग्जामिनेशन आप लोग देते होंगे प्रीलिम्स मेंस का, उस तरह से होगा। इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, और दूसरा रीजन होता है कट ऑफ ज्यादा जाने का कि बहुत कम वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपके पास जो है, जो कुछ ईरे हैं आपके पास जो प्रीलिम्स के लिए है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। जो प्रीलिम्स के लिए आपके पास डेज हैं, मतलब अगर कल से आप ऐड करोगे 26 दिसंबर से, तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास जो डेज हैं 50 डेज हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, 50 डेज है, ठीक है। और जो मेंस के लिए डेज मिलेंगे आपको, ठीक है, मेंस, ठीक है, मेंस के लिए जो डेज मिलेगा ये 50 डेज के जस्ट 20 to 25 डेज बाद आपका मेंस करा दिया जाएगा, ठीक है। और एलपीटी जो होता है मेंस के बाद वो होता है आपका मैक्सिमम 30 to 45 डेज, मतलब 1 से 1.5 महीने में आपका एलपीटी हो जाता है, ठीक है। और ये कब होगा, प्रीलिम्स का जो डेट है 14 to 15 आपका फरवरी है, और जो मेंस आपका होगा मतलब आरबीआई का जो असिस्टेंट का मेंस है वो मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है,
ठीक है, या मैक्सिमम मार्च के सेकंड वीक में आपका हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी होगी एलपीटी, जो होगी एलपीटी आपका अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट आपके वीक में ये हो जाएगी, मैक्सिमम यही चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो इतना कम टाइम में आपका हो जाएगा, तो इसी वजह से केयरफुल होकर तैयारी की जाएगी। और कई सारे लोगों को ये पूछे थे कि भाई हम क्या मराठी सीख सकते हैं इतने कम दिनों में, तो उसका भी आंसर मैं इसी में दे दे रहा हूँ। भैया मत रिस्क लो, कहीं तुमने मेंस क्लियर कर लिया और तुम एलपीटी में बाहर हो गए, बहुत तुम्हें टेंशन होगा, बहुत दुख होगा, इस वजह से रिस्क मत लो। अपने स्टेट या अपने जैसा, जैसे मान लो हिंदी कहीं पर और भी बोली जाती है किसी स्टेट में, तुम अगर यहाँ से यूपी से नहीं अप्लाई करना चाहते तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हें आती बिल्कुल नहीं है मत करो। मैंने बताया था मराठी या महाराष्ट्र के बारे में पूरा डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वहां की एलपीटी जो होती है सबसे टफ एलपीटी ली जाती है, पूरे जितने भी जोन हैं उतने सारे मिला के अगर देखा जाए सबसे टफ वहीं पर होती है। और मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि क्या होता है, काइंडली उसको केयरफुल होकर देखिएगा, सब बहुत बारीकी से समझाया था वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो अब चलिए हम लोग आ जाते हैं कि भाई क्या है मॉक प्लानर, क्या है आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा एज यूजुअल कि मॉक प्लानर जो है भाई आपको क्या करना है, कल है 26 दिसंबर, आज अभी 25 है, तो कल आपको क्या क्या करना है, प्रीलिम्स का, ये प्रीलिम्स के लिए मैंने लिखा हुआ है अभी, ठीक है। प्रीलिम्स का आपको 2 मॉक टेस्ट देना है, किसी भी 2 कंपनी का, फ्री वाला दे लो या पेड वाला, जो कुछ भी आपने लिया हुआ। मॉक आप किसका किसका यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए ओलिव बोर्ड यूज नहीं करोगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा प्रीलिम्स के लिए, खाली मैं प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए पहली प्रायोरिटी रहती है। आप जो प्रीलिम्स के लिए यूज करेंगे, पीएम यूज करेंगे, अड्डा यूज करेंगे, ग्रेड अप यूज करेंगे, जो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं है, अड्डा, ग्रेड अप, जो आपकी है स्मार्ट जोन, जो आपकी है कीड़ा वाली, स्मार्ट कीड़ा वाली है, ठीक है, वो भी अच्छा है, ठीक है, ग्रेड अप है, और आपका और भी जो भी आपके हैं, मतलब बस जो मैं नहीं करना मैं बता दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं करना है आपको यूज प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए किसी के लिए भी, ठीक है, वो एसएससी के लिए ठीक है। और आपका एक है महिंद्राज का मॉक टेस्ट यूज नहीं करना, ये नहीं करना है। और इसके अलावा जो कुछ भी हो प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हो, किसी को 2 मॉक टेस्ट कल आपको अटेंड करना है, एक आप सुबह में कर लो या दोपहर में कर लो, एक शाम में कर लो। और इन दोनों को अटेंड करने के बाद से आपको एनालाइज करना है, इन दोनों टेस्ट को एनालाइज करने के बाद से आपकी जो लूप होल्स मतलब जो गलतियां इसमें हुई हैं, इन दोनों मॉक टेस्ट में जो गलतियां आपने किया हुआ है, उन गलतियों को नोट करना है आपको अपनी कॉपी में कि कहां पर वीक हो, ठीक है, कहां पर वीक हो आप, ठीक है, और कहां पर आप क्या हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करनी है, नोट करने के बाद से उस पर काम करना है। तुम्हें कब तक काम करना है, 4 दिसंबर तक, 4 आपके ये जैन है, गलती से मैंने दिसंबर लिख दिया है, 4 जनवरी तक आपको उस पर काम करना है, उन सारी गलतियों को सही करना है। उसके बाद से आपको तब मॉक टेस्ट कब देना है, 5 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक मॉक टेस्ट देना है, और अल्टरनेट डेज पे देना है, मतलब आज दिया कल नहीं देना है, आज दिया फिर कैसे अल्टरनेट दोगे, 2 कंपनी का कोई भी मॉक टेस्ट यूज करना, लाइक पीएम का यूज कर रहे हो और अड्डा का यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं तुम्हें, पीएम और अड्डा का यूज कर रहे हो, तो आज तुम 5 जनवरी को पीएम का देना, 5th को पीएम का देना, अगले दिन तुम्हें 6th को कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, 7th को तुम अड्डा का दे लेना, ऐसे करके देना। तो इससे क्या होगा, तुम्हें नॉलेज गेन होगा, मैं बार बार ये चीजें समझा रहा हूँ कि भाई क्यों फायदा होगा तुम्हें, क्योंकि इससे क्या होंगे, तुम्हारे पता चलेगा कि 2 तरह के माइंडसेट के मॉक जब सॉल्व करोगे तो एग्जामिनेशन में जरा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अगला क्या, तुम्हारा 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है, ये डेली मॉक टेस्ट देना तुम्हें, 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक डेली मॉक टेस्ट देना, 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक तुम्हें 2 मॉक टेस्ट देना है डेली बेसिस पे, ये ट्राई करना है, 1 घंटे की प्रीलिम्स के मॉक है तो जरूर ट्राई करना है, देना है, समझ गए। और जिन लोगों का 14 फेब को एग्जाम रहेगा वो 13 को कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देंगे, रिलैक्स रहेंगे, आराम करेंगे, कुछ क्वेश्चन पजल वगैरह सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन 13 को कुछ नहीं करना। और जिनका 15 फेब को रहेगा, 15 फेब को एग्जाम रहेगा, वो क्या करेंगे, 13 को भी 2 मॉक टेस्ट देंगे वो लोग, समझ गए ना, और 14 को वो कुछ भी नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पजल वगैरह डीआई वगैरह सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, वीडियो दूंगा, ठीक है। तो समझ गए इसको क्या करना है, मॉक प्लानर क्या है, अब ये थोड़ा समझ लो एनालाइज कैसे करोगे, एनालाइज कैसे करना है, मॉक एनालाइज कैसे करना है। देखो मॉक एनालाइज में 3 चीजें हम लोगों के साथ यूजली होती है, पहला होता है करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, फिर एक होता है स्किप किया हुआ क्वेश्चन, ये वाला, और एक होता है मतलब हम लोगों का चौथी जो चीज होती है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, हम लोग कभी कभी क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, एक होता है कंपेयर नहीं करना, ये 4-5 चीजें समझ लो क्या, करेक्ट क्वेश्चन का भी एनालिसिस करना है, इनकरेक्ट का भी करना है, स्किप किए हुए का भी करना है, मतलब 100 out of 100 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में जो होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एनालाइज करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। करेक्ट वाले क्वेश्चन में ये देखना है, मैं बार बार ये चीजें बताते रहता हूँ कि आपने कहीं टाइम तो ज्यादा नहीं ले लिया है उसको करने में, या वे जो आपका अप्रोच है इंग्लिश मैथ रीजनिंग किसी भी में वो कहीं गलत नहीं हो गया, इस तरह की चीजें आपको देखनी है उसमें। और इनकरेक्ट वाले में क्या करना है भैया, इनकरेक्ट वाले में ये देखना कि आपसे क्यों गलत हुआ, लाइक ऑप्शन आपने बी टिक किया है तो वो क्यों गलत हो गया आपका, और जबकि सी ऑप्शन सही दिया गया, ये यहां पर आपको ये WHY ये वर्ड जो है इसका आंसर मिलना चाहिए, ये मिलेगा देन आप राइट ट्रैक पे हो। और स्किप की वाले में वो देखना कि आप क्यों उस लिमिटेड टाइम में, जो लिमिटेड टाइम
20 मिनट्स दिया गया था, उस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए या वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। और पहुंचने के बाद ये सोचने के बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, सारे क्वेश्चन का एनालाइज करना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये चीज देखना है कि भाई आपने कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पिक कर लिया, मान लो रीजनिंग में कोई ऐसा पजल तो नहीं पहले पिक कर लिया जो करना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से आपका टाइम लॉस हुआ, जिसकी वजह से अटेम्प्ट कम हो गए। ये चीज घर पे करना है, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में करोगे फेल हो जाओगे। कंपेयर, देखो कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपको किसी से मार्क्स परसेंटाइल मॉक के ना ये सब कंपेयर नहीं करना है। कंपेरिजन तुम्हारी किससे होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, सेल्फ, ठीक है, खुद से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा, समझ गए। ये मॉक का प्लानर था, ये मॉक इस तरह से आपको करना है। अगर आपको अपने कन्वीनियंट अपने सुविधा के हिसाब से इसको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यही स्टिक रहना है इसी के हिसाब से। मान लो आप कि कुछ और काम हो, कुछ और चीजें हो, तो आप अल्टरनेट कुछ और भी अपना कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से बेस्ट वे था प्रिपेयर करने का, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा भाई तुम्हें प्रिपेयर करना रहता तो कैसे करते, तो अपने हिसाब से बताओ। तो मैं ये चीजें करता, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ मॉक का, ठीक है। पहले मैं अपनी गलतियां देखता, चेक क्या हुआ। आज मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे जो मॉक में नंबर आए आरबीआई सिस्टम वाले में 80 मान लो आ गए एग्जांपल के फॉर्म में, तो उसके बाद भी मैं ये चीजें करता, और जो 20 मार्क्स नहीं आ रहे ना उनके लिए मैं और मेहनत करता कि मेरे 100 मार्क्स के लाने हैं पूरे। सपना रखो ना 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, क्या मतलब कितनी खुशी होगी आपको ना, पूरे मार्क्स लाओ, और बहुत फेयर चांसेस है कि ला सकते हो, ये इजी एग्जाम है। IBPS PO SBI PO में वहाँ नहीं चांसेस रहते हैं ना, वहाँ मतलब टफ होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, जिससे 90-95-97 तक पहुँच सकते हो ना, जैसे 98.5 यहाँ तक पहुँच सकते हो। जो मेरा मैक्सिमम मार्क्स थे 98.5 थे आउट ऑफ 100, ठीक है। ये मेरे मैं प्रॉब्लम से मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे, इससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आए थे प्रॉब्लम से। मैं कोशिश बहुत रखी है कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, लेकिन कभी नहीं आए मेरे। तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, ला सकते हो 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया, ये चीजें मैं करता। अब हम लोग आ जाते हैं रीडिंग कैसे करोगे या इंग्लिश जो है आपका उसके लिए। देखो इंग्लिश जो आपकी होने वाली है आरबीआई में इंग्लिश जो होगी इजी टू मॉडरेट होगी। लेकिन आपको इजी टू मॉडरेट में क्या करना है भाई, इंग्लिश में आप 10-15 नंबर अगर सोच रहे हो स्कोर करने के लिए या 20 नंबर ना, देन आप आउट ऑफ रेस हो, ठीक है। आपको स्कोर जो करने हैं मिनिमम 20 प्लस होने चाहिए, मिनिमम स्कोर होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम 35 मैथ रीजनिंग में भी स्कोर कर देते हो, इतना करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है, कर देते हो, तब भी 70 होता है। और 85 या मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि 85-83 आपकी एवरेज आपकी कट ऑफ थी हर जगह की जनरल की। और अगर आप 20 मार्क्स खाली पाते हो तो 90, मान लो कहीं कुछ गलत हो गया तो 85, मान लो और गलत हो गया तो 80 पे आ गए बाहर हो गए। दैट्स वाई तुम्हें 20 प्लस मिनिमम टारगेट करना है, और कोशिश करना है 25 इवन 30 आउट ऑफ 30 कोशिश करना लाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश तो आसान होती है, आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इंग्लिश में पहले सिलेबस क्या है मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो पहला चीज है रीडिंग हैबिट, ये मैं समझाऊंगा अभी भैया आपको, फिर से मैं समझाऊंगा, समझ लेना, करना जरूर, बहुत फायदेमंद है ये चीजें। आरसी है, आरसी आती है आपकी, क्लोज टेस्ट आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके 2 दिन एग्जामिनेशन है। अगर वो लोग 4-4 शिफ्ट या 3-3 शिफ्ट कराते तो 6 शिफ्ट से लेकर 8 शिफ्ट तक कम से कम एग्जाम होंगे, क्लोज टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद पैराजम्बल, जिसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हो आप, ठीक है, या एरर्स रहेंगे, सिंगल और डबल फिलर्स रहेंगे, ट्रिपल फिलर्स नहीं आते आपके प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब आपके एसबीआई पीओ के मैंने लिख दिया एक्सेप्शन के फॉर्म में, भैया कहीं आ जाए तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और आपका फ्रेजल रिप्लेसमेंट, ये चीजें जरूर आएंगे, फ्रेजल रिप्लेसमेंट इसी वजह से याद कर लेना। और इसके लिए मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, फ्रेजल रिप्लेसमेंट के लिए मैंने एडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स ना, और वन वर्ड, इन सब का मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया था 1-1.5-2 या 3 महीने पहले ही दिया था, तो आप लोग थोड़ा देख लेना वीडियो, नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कर देना, जो मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम है @BOptimistic0, या यहाँ पर मैसेज नहीं आपका, अगर मान लीजिए मैं देख पा रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का जो मेरा है BOptimistic0, ये सर्च करोगे विल गेट माई आईडी ना, वहां पर आप सर्च कर सकते हो, तो मैं आपको वहां से लिंक दे दूंगा, ठीक है। या आप लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग बता देना, मैं आपको प्रोवाइड ही कर दूंगा फिर से वो वीडियो, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये मैंने प्रोवाइड किया था, पूरा पीडीएफ बना के अच्छे से किया था। अब देखो क्या करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सिंगल फिलर्स हैं, फिलर्स या कुछ भी हो ना, एरर्स हैं, पैराजम्बल्स हैं, क्लोस्टेस हैं, आरसी हैं। तो अगर आप रिलेट करोगे तो आरसी जो होती है रीडिंग हैबिट से होती है, नथिंग, कुछ और अलग से नहीं होता, कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। क्योंकि अगर मैं मान लो, कई लोग बोलते हैं कि भाई आरसी सॉल्व करके दिखाओ क्या तुम्हारा तरीका है, भाई मेरी रीडिंग स्किल बहुत दिनों से है, तो मैं अगर करूंगा तो वहां आरसी में मैं अपनी दिमाग लगाऊंगा, तुम्हारा कुछ भी माइंड नहीं लगेगा, बस तुम्हारा जो एक होता नहीं कि भाई अच्छा है, मजा आ रहा है, सॉल्व कर रहा है, ये आंसर ये हो गया, ये ऐसे समझा दिया, ऐसे ही हो जाएगा, वही सेम आरसी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी। तुम्हें ये अपनी अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करनी है, तब आपके इंग्लिश में मार्क्स आएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग स्किल लेके नहीं कर पाओगे, माइंड एक्सचेंज का भी टेक्नोलॉजी नहीं बना हुआ है भैया, ठीक है। क्लोज टेस्ट, इसमें भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ये रीडिंग से रिलेट होता है, जो ये दोनों है ना, ये और पैराजम्बल्स, ये सब आपके रीडिंग से रिलेटेड है। क्लोज टेस्ट में बस एक चीज आती है, वो कैब,
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल है ही नहीं अच्छी तो क्या याद करके क्या करोगे तुम भाई, कॉमन सेंस है ना। एरर्स फिलर्स जो होते हैं सेंटेंस, ये प्रैक्टिस से होते हैं। एरर्स के लिए या ग्रामर के लिए मैं आपको 2-3 बुक हैं आपकी जो मैं रिकमेंड करूंगा, सुन लीजिए ख्याल से। प्लिंथ टू पैरामाउंट अगर आपके पास है उससे पढ़ सकते हो, एसपी बख्शी की बुक है उससे ग्रामर कर सकते हो। सारे बुक से मत करने लगे ना, किसी एक बुक से करना ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर है उससे कर सकते हो, ये इंग्लिश में नहीं आती है। एमबी पब्लिकेशन की है तो उससे कर सकते हो ठीक है ना, बस ये बहुत है। और इसके अलावा भी कोई आपके पास है कोई बुक है जो ग्रामर के लिए उसे पढ़ सकते हो। ग्रामर उतना टफ नहीं है, बहुत इजी वे में है, बस एक बार पढ़ना और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। और अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप जब हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है कैसे फ्रेम हुआ है, किस तरह से फ्रेम हुआ है सेंटेंसेस ना, या वर्ड्स कैसे फ्रेम हुए हैं, समझ गए। तो ये क्या करना है आपको, देख लो यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड, फिर से एक बार मैं समझाऊंगा आपको हाउ टू रीड ठीक है। अब आरसी क्या करोगे डेली बेसिस पे, आरसी के लिए मैं आपको 2 PDF अगेन दे रहा हूँ नीचे। एक अरिस्टोटल आरसी 99 करके है ठीक है, अरिस्टोटल इसमें 99 आरसी दिए हुए हैं। एक आपका सुजित कुमार आरसी बाय सुजित कुमार ठीक है, आरसी बाय सुजित कुमार क्या है, ये दोनों मैं पीडीएफ दे दूंगा। इन दोनों पीडीएफ में से जो भी कन्वीनियंट रहे, ये पीडीएफ थोड़ी टफ है अरिस्टोटल वाली, ये वाली थोड़ी सी मॉडरेट है, तो आप सुजित वाले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो कोशिश करना डेली बेसिस पे 1-2 आरसी तुम्हारी सॉल्व होनी चाहिए ना इस बुक से, डेली कंसिस्टेंट रहना है तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और अंडरस्टैंड कोशिश करना, और तुम्हारे आंसर हर क्वेश्चन में मिलने चाहिए, जितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हो कुछ भी हो रहे हो तो वहां पर WHY का आंसर मिलना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, क्यों मेरा ऑप्शन बी मैंने टिक किया था, ऑप्शन सी उसका क्यों सही हुआ, मेरा क्यों गलत हो गया। ये क्यों का आंसर नहीं मिलेगा तुम्हारी आरसी करने से, रीडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसी वजह से ये क्यों का आंसर मिलना चाहिए। सेम एज इट इज क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के लिए देखो डेली बेसिस प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कोई बुक हो तो उससे कर लो, अदरवाइज आप अड्डा के क्विजेस से कर लो, ग्रेड अप के क्विजेस से कर लो, एस्पिरेंट जोन के क्विजेस से कर लो, या फेयर क्लाउड्स पे कर लो, या जहां से भी आप कन्वीनियंट हो जहां से भी करते हो वहां से आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। डेली बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट खाली करना है। पैरा एग्जांपल्स या आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, जो प्रीवियस मॉक टेस्ट हैं जो क्लरिकल लेवल के हैं प्रीलिम्स वाले, या मेंस के भी आप सॉरी या पीओ के भी आप प्रीलिम्स वाले मॉक यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा लेवल करोगे तो आप थोड़ा एडवांटेज रखोगे हल्का सा ठीक है। जो आपके रीअरेंजमेंट होते हैं या पैराजम्बल्स होते हैं इनको क्या करना है भाई, इनको आपको डेली बेसिस पे 4-5 आपके पैराजम्बल्स सॉल्व करने हैं। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो कम से कम 2-3 पैराजम्बल डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, समझ गए ना, 2-3 पैराजम्बल डेली बेसिस पे मिनिमम सॉल्व करना है 4-5। ये आप जितने भी लोग वर्किंग लोग हो ये अपने हिसाब से भाई मॉल्ड कर लेना, मॉल्ड मतलब होता है आपको आरसी एक ही करना ठीक है ना, एक करना आरसी खाली, और जो क्लोज टेस्ट है वो मत करना, अल्टरनेट डेज पे करना या संडे के दिन करना, तुम 2-3 क्लोज टेस्ट कर लेना दोस्त ना। पैराजम्बल्स है तुम 1 या 2 पैराजम्बल्स करना खाली ठीक है ना, लेकिन डेली करना है। एरर्स की प्रैक्टिस जितने नॉन वर्किंग लोग हैं वो क्या करेंगे, कम से कम 10-15 एरर्स डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, और बस अड्डा से कर लो, अड्डा के क्विजेस कर लो, मोर देन एनफ है। या मॉक टेस्ट जब करोगे अटेम्प्ट उसमें भी मिलेंगे आपको, या बुक आपके पास जो है जो मैंने रिकमेंड किए हुए इतने सारे बुक्स ना उनमें से कोई भी बुक आपके पास है या कोई भी अदर बुक है ग्रामर के लिए, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो एरर्स की। एरर्स की प्रैक्टिस में एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें वहां समझ में आना चाहिए कि क्या है, रटा हुए चीज नहीं दिखनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि है क्या, मीनिंग क्या है और क्यों यूज हुआ है, यूजेस क्यों ऐसा है ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज करेगा तो आपके एरर्स गलत हो जा सकते हैं। और फिलर्स की प्रैक्टिस क्या करना है, फिलर्स में भी क्या करना है, सिंगल और डबल फिलर्स की प्रैक्टिस करना है आपको, और ये आपकी बुक में भी रहती है, और आप अड्डा के क्विजेस से कर सकते हो, ग्रेड अप के क्विजेस, ये जितने भी मैंने साइट्स बताए थे ना 4-5 उन सब जगह पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो कम से कम 10 या 5। और जितने वर्किंग लोग हो भाई आप एरर्स वाले जो 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर सकते हो, जरा टाइम नहीं लगेगा। और फिलर्स में भी आपको क्या रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, 10-5 आप कम से कम फिलर्स डेली बेसिस पे करोगे, डेली का टास्क है आपका। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब ये होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब एक मैच करके भी आजकल आता रहता है, मैच द कॉलम्स करके, तो इंग्लिश में भी ये भी आता है आजकल, तो ये आपका एरर्स का ही पार्ट एक तरह से रहता है। समझ लो कि ये मैच करो कौन से सेंटेंस में जाएगा, तो एरर्स का ही पार्ट रहता है, कहीं अलग से नहीं रहता, तो उसके लिए परेशान ना होना कि ये क्या आ रहा है आजकल ना। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है, बोल्ड करके दे देता है, कॉन्टेक्चुअली आपका पूछता है कि सही है, ग्रामर के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं सही है, ये सब चीजें होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपकी एरर्स या रीडिंग वगैरह सब सही है तो आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पेलिंग एरर्स भी पूछता है कि स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है, ये आसान होता है, टफ नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है आपको डेली बेसिस पे, इसमें भी 5-10 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है ठीक है। और ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, सारे प्रीवियस मॉक टेस्ट को यूज करो, साइट्स को यूज करो, अड्डा, ग्रेड अप, अफेयर्स क्लाउड, एस्पिरेंट जोन, अभी पीएस गाइडेंस, सारे साइट्स को यूज करो, वहां से मिल जाएंगे। और
प्रीवियस मॉक टेस्ट जो कि प्रीलिम्स वाले फालतू पड़े हुए ईयरली पैकेज में उनको यूज करना सीखो, वहां से आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे। फ्रेजर रिप्लेसमेंट में क्या करना है, खाली अड्डा के क्विजेस, ग्रेड अप के क्विजेस, ये सब के क्विजेस खाली सॉल्व करो, यू विल गेट मोर देन एनफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए इसको, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और ईडीएम फ्रेजेस जो फ्रेजल वर्ब के पीडीएफ हैं उनको कोशिश करो याद करने की, याद करोगे तभी चीजें अच्छी होंगी। समझ गए ये चीजें इंग्लिश में क्या करना है। और उसके बाद से भी एक चीज बचती है कि रीडिंग, रीडिंग के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है, मैंने वीडियो दिया हुआ है कि किस तरह से आप रीड करेंगे, कितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है ना, उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें मैंने देखे तीन तरह की स्टेप्स बताया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। और आपको मैं जो लिंक है, जो हाउ टू रीड वाला लिंक है, उसको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पहला जो कमेंट पिंड है उसमें मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया उसमें, तो उसको आप देख लेंगे और उसी तरह से रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है, जो मैंने बताया ना ये सारी चीज़ें, कि आपको ये डेली बेसिस पे करनी है, आरसी एक से दो करनी है, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको दो आरसी कम से कम सॉल्व करनी है। कहां से करनी है, सुरित कुमार से करना है, ये सबसे बेस्ट है भाई, अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, या एरिस्टोटल आरसी 99 से करना। और तुम इसमें बहुत ज़्यादा वीक हो रीडिंग में या आरसी में बहुत ज़्यादा वीक हो, तो सिंपल आरसी पहले करना, कहीं से भी गूगल कर लेना आरसीज ना, आरसी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स ना, ऐसा करके गूगल कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें बहुत सारे आरसी मिल जाएंगे जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे, उनको 10 से 12 दिन करना। तब जब छोटे छोटे जो आरसी करना, प्रीलिम्स वाले छोटे छोटे जो रहेंगे उसको कम से कम 4 से 5 आरसी डेली बेसिस पे करना, वो छोटे छोटे रहेंगे तुम्हारे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, समझने की कोशिश करना। समझ गए, ये सब तुम्हें डेली बेसिस पे टारगेट कम्प्लीट करना, अगर ये कम्प्लीट करते हो तो आरबीआई तुमसे दूर नहीं है दोस्त ना, मेहनत करना पड़ेगा। आप कई लोग नीचे शायद बोलोगे कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ये रीडिंग हैबिट मैंने जो है तीन स्टेप में बताया है, स्टेप वन जो था स्टार्टिंग से 6 से 7 डेज तक था, स्टेप टू था 7 to 10 डेज, और स्टेप थ्री, तीन स्टेप में मैंने बहुत कायदे से समझाया है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप उसको समझ लेंगे किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है। अगर उसके बाद कुछ भी डाउट होता है तो जरूर मुझे आप बताइए कि मतलब क्या आपका डाउट है क्या नहीं है। अगर हो सका तो मैं इसी वीडियो में कंपाइल कर दूंगा उस वीडियो को भी कि किस तरह से आप रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई करूँ ना। अंडरस्टैंडिंग स्किल जरूरी है इंग्लिश के लिए डेवलप करना, अगर वो डेवलप नहीं होती है तो कितना भी पढ़ डालो कितने भी कर डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तुम्हें, मार्क्स ज्यादा स्कोर करने याद रखो, 20-25 मिनिमम आपके मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश में। होपफुली आपको सारी चीज़ें इंग्लिश और जो आपका मॉक प्लानर है इन दोनों से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ या पढ़ूँ या उस पर कोई वीडियो जरूर दे दूँ, ठीक है। तो कल मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आपके सेकंड और थर्ड पार्ट मैं कल ही दे दूंगा, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और पढ़िए मेहनत से, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। और कोई भी अगर आपसे कहता है आरबीआई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे, अपनी मेहनत से, मेहनत करो सब कर सकते हो। बैठे रहोगे पढ़ोगे नहीं, इंग्लिश अच्छा नहीं करोगे, मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं करोगे ना, नहीं होगा। मैथ रीजनिंग इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।